नगर निकाय चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ सीटें जीते जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में कुछ दमखम दिखने लगा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता गवा देने के बाद से सपा के नेता विलुप्त जैसे हो गए थे, लेकिन अब सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली की दरें बहुत बढ़ी हुई और सरकार का जिस तरह से रवैया है यहाँ पे, उसके खिलाफ हम लोगों का ये कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उसके लेकर क्या है? कानून व्यवस्था भ्रष्ट पड़ी है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था ना चीज ही नहीं है। सपाइयों का कहना है कि सरकार ने चुनाव के पहले गरीबों और किसानों को मुफ्त कनेक्शन बांटे जाने की बात की थी, लेकिन चुनाव निपटते ही अचानक बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसको सरकार को वापस ले लेना चाहिए। साथ ही सूबे में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ा हुआ है, जिसको कंट्रोल करने में सरकार फेल है। जनता पार्टी ने सरकार बनते एक सिगुफा छोड़ा कि हम बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, और जिस जो किसानों को 200 300 400 रुपए में काम चल जाता था, आज उनको 800 1000 1200 में काम चल रहा है। बिजली जो आती थी 20 घंटे सपा सरकार के समय देहातों में, आज आ रही 10 घंटे। बिजली के बिल सबके बढ़ गए, बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी, इसके बाद भी अपना गाल बजा रहे। हमें अफसोस है कि ये जनता इनको इतना सबक दे रहे हैं। नगर पालिकाओं में 400 में 300 करीब ये हार गए, लेकिन 10-12 नगर निगमों में जहाँ पर ईवीएम के आधार पर बेईमानी कर ली, वहाँ पर अपना केवल खुशी मना रहे हैं और चारों तरफ से मीडिया में सेटिंग बनाकर जो सही मीडिया बोलता है उसके खिलाफ जाँच कराते हैं। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उससे लगभग दुगने अपराध हैं। और आपको बता दूं, इस समय जो लगभग 10 वर्षों से एक शब्द चल रहा था डकैती का, कि डकैती नहीं पड़ती, इस समय डकैतियां इतनी ज्यादा पड़ रही हैं। पूरे सूबे के साथ साथ फतेहपुर में भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए बढ़े हुए बिजली के बिलों को वापस लेने के लिए डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। फतेहपुर से संदीप शुक्ला, न्यूज 75.in।